हम आपसे केवल भक्ति की चाहते हैं और कोई चाह नहीं है, क्योंकि आप साक्षात नारायण हो। यदि आपसे कोई और दूसरी चीज मांगे तो बातें बोलो मूर्ख, दुनिया में दूसरों को हो, क्योंकि तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध आत्मा हो। भगवान, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति करी भैया। अंत में ध्रुव जी महाराज कहते, भगवान आप तो हमारी रक्षा ऐसे कर दो जैसे एक गाय अपने बछड़ा की रक्षा करते, नवजात बछड़ा हो महाराज, बछड़ा के चक्र गाय तेरे ती बढ़ जाते, अपने बछड़ा पे आंच ना आन देती। ऐसे ध्रुव जी महाराज कह रहे, प्रभु हमारी रक्षा तो आप बछड़ा की तरह कर दो। बात से एक वत्सक मनोग्रह कातर उस्मान। आज श्री ध्रुव जी महाराज की दिव्य से सुनकर भगवान बोले, बेटा वरदान मांग ले। ध्रुव जी ने कुछ वरदान नहीं मांगा तो भगवान कहे, बेटा तूने मेरा 6 महीने भजन किया, छचनक 36 वर्ष किया, मैं तुझे 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। तू पिता की गोद के लिए क्या आया था? पिता की गोद माने तेरे नगरवासी, तेरे पिता की जय जयकार, तेरी जय जयकार, मैं तुझे दिव्य सिंहासन देता हूं कि पूरी दुनिया तेरी परिक्रमा करेगी। आज प्रभु ने अटल सिंहासन दिया ध्रुव जी का, ध्रुव लोक में स्थान दे दिया। और इस प्रकार भगवान वरदान देकर के अंतर्धान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज प्रभु का वरदान पाकर के अपनी नगरी, माने बाबा नगरी को नाम है कानपुर, जो वर्तमान में कानपुर है, उस जमाने ध्रुव जी की राजधानी थी, उस नगरी में प्रभु आए। और मैं तब तो ध्रुव जी जब गए निकल गए, काऊ ने राम राम नहीं करी, हम राजा थे विद्रोह करेंगे, चल हमारे संग, हम राजा को समझाएंगे, नेक्सो मोड़ा जंगलों कह जाओ भजन करवे, नहीं जावे गो राजकुमार जी, कोई नहीं बोलो ध्रुव जी थे। पर आज भगवान मिल गए भैया, तो ध्रुव जी की जय जयकार, द्वार गांव के द्वार में पहुंच गए, ध्रुव जी को स्वागत सत्कार करेवे, राजा समाचार मिलो भैया, जगह जगह बंधन में बाल लगवा दी, जगह जगह ध्वजा सजवा दी महाराज, जगह जगह कलश लगवा दे, और एक हाथी को सजा करके ध्रुव जी के लिए एक शोभा यात्रा निकालते हैं। उस हाथी पर ध्रुव जी महाराज को बिठाते हैं और नगर में पूरी शोभा यात्रा आज ध्रुव जी महाराज की निकल रही। बोली ध्रुव जी महाराज की जय हो। इस प्रकार भैया जैसे ध्रुव जी महाराज महल में गए, अपनी मैया सुनी थी कि मेले में नहीं गए पहले भी, ता मैया ने मेरा जन्म ताक नहीं नहीं, जिस मैया ने कठोर वाणी दी बा भवन में गए पहले, क्योंकि यदि वो मैया कठोर वाणी नहीं देती तो मैं घर से भजन करवे नहीं जातो, और भजन करवे नहीं जातो नारायण के दर्शन नहीं होते। आज मैया तेरी कृपा से दर्शन भये। जैसे भगवान राम पहले कौशल्या के महल में नहीं गई, पहले कैकेयी के महल में गई। प्रभु जानी कै कई ल जानी, प्रभु जानी कै कई ल जानी, प्रभु जानी कै कई ल जानी, प्रभु जानी कै कई ल जानी। प्रथमता सुख भैया, पहले अपनी मैया सुरुचि के महल में गए, मैया ने अपना दरवाजा बंद कर लो, नहीं नहीं बेटा मैं तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, मेरी वजह तेने बहुत कष्ट पायो। तुम जी बोले, मैया नहीं नहीं मैंने कष्ट नहीं पायो, तेरी कृपा से मैंने हरि के दर्शन कर लिए। आज मैया के चरणों में ध्रुव जी महाराज गिर गए भैया, मैया ने छाती ते लगायो आशीर्वाद दो। फिर मैया अपनी सुरुचि के पास गए, उनसे मिले, पिता से मिले, सबसे ध्रुव जी महाराज भेंट कर भैया से मिलते हैं। इसके पश्चात आज ध्रुव जी महाराज को भैया सिंहासन पर बिठा दे छोटी सी उम्र में उत्तानपाद में, और जंगल को भजन कर हुए चले गए। इधर में एक दिन बिन को भैया शिकार खेले हुए उत्तम, और यक्षों के द्वारा मारा गया। जब ध्रुव जी महाराज यक्षों का संहार कर रहे थे तब स्वयं मनु आए और कहा, बेटा आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, भगवान का भक्त को हिंसा अच्छी नहीं लगती है,
अलम बत्सात रोषेण तमो द्वारेण पाप मना, आपको हिंसा शोभा नहीं देगी। युद्ध को बंद कराया, ध्रुव जी महाराज नगर को आए। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने भैया 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया, 36,000। और जब आयु पूर्ण भई, विमान आयो वैकुंठ देव ध्रुव जी महाराज को, तो जब बाबा बैठे तो मृत्यु ने कही कि प्रभु भगवान के भक्त मेरा बस नहीं है, तो आप मेरे सिर पर अपना पैर रख दो। तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान में बैठे। मृत्यु मूर्धन पदम दत्वा, और इसके पश्चात विमान बैठे और नेक दूर विमान में गए। हाल ही अरे प्रभु हम आओ विमान लौट ला के ले चलो वापस करो। कब भगवान के पार्षद बोले भैया बात का है, तुम्हारो का सामान रहेगा, सब सामान तुम्हें वैकुंठ में मिलेगो। ध्रुव जी बोले भैया नहीं नहीं, वैकुंठ में सब नहीं मिलेगो, तुम सब सुख सुविधाएं दे सके तो, पर वैकुंठ में मेरी मैया तो नहीं मिलेगी ना, मेरी मैया तो नहीं रह गई। भगवान के पार्षद की आंखों में आंसू आ गए कि जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नाही तरहसी बांझड़ी मती गवावे नूर। भगवान के पास बोले भैया यदि मैया लाल पैदा करे, या तो भक्त पैदा करे, या वीर पैदा करे, या दाता पैदा करे, अन्यथा अपने जो शरीर की चमक को बर्बाद करे। इस प्रकार कहा प्रभु आप चिंता नहीं करें, आप जैसा भक्त प्रकट हो जाए तो बाकी मैया देखो वो आंग विमान में जा रही है। आज उसी विमान आगे वाले विमान में ध्रुव जी महाराज की मैया सोनी थी जा रही है। इस प्रकार वैकुंठ में गए, प्रभु को प्रणाम करके ध्रुव लोक में ध्रुव जी को स्थान दिया। बोली ध्रुव जी महाराज की जय हो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल।